जादुई तीन काजल। एक गांव में सुष्मिता नाम की एक औरत रहती थी। सुष्मिता के पिता ने सुष्मिता की शादी बहुत धूमधाम से की थी। शादी के एक साल बाद सुष्मिता ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। लेकिन कुछ समय बाद सुष्मिता के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद सुष्मिता चिंता में पड़ गई कि वो अपने बच्चे का भविष्य कैसे संवारेगी। एक दिन सुष्मिता के घर उसके पिता आते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, अब तो हमारी चिंता को समझो, तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं पिताजी, ये मेरा ससुराल है, मेरे पति नहीं रहे तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो है ना, मैं ये घर छोड़कर अपने घर नहीं जा सकती। हाँ बेटी, लेकिन हर लड़की अपने पति के साथ अपने ससुराल में खुश रहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें दोबारा शादी कर लेना चाहिए, तुम्हें एक जीवन साथी की आवश्यकता है। मेरी बात मानो बेटी और इस घर को छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी शादी फिर से धूमधाम से करवाऊंगा। ये कैसा न्याय है पिताजी, आप अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, फिर क्या मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच सकती? आप मुझे मेरी बेटी को छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये जीवन मैं अपनी बेटी के नाम कर दूंगी, लेकिन उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। सुष्मिता की बात सुनकर उसके पिता नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, देखो सुष्मिता, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ अपने मायके नहीं चलोगी तो मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा और तुमको मेरी तरफ से एक रुपये भी नहीं मिलेगा। सोच समझ कर निर्णय लो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें सारी संपत्ति मिल जाएगी। पिताजी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझसे दूसरी शादी की बात मत किया कीजिए, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं खुद कह रही हूँ, चले जाइए आप यहाँ से, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी के लिए मैं खुद ही काफी हूँ। अगर तुम अपनी जिंदगी खुद खराब करना चाहती हो तो इसमें भला मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है मैं जाता हूँ। इतना कहकर सुष्मिता के पिता वहाँ से चले जाते हैं। सुष्मिता पढ़ी लिखी नहीं थी, ऊपर से उसके ससुराल वालों को लगता था कि सुष्मिता और उसकी बेटी मनहूस है, इसलिए उनके बेटी की मृत्यु हो गई। वो सुष्मिता और उसकी बेटी को ज्यादा दिन तक अपने साथ नहीं रखते और घर से निकाल देते हैं। सुष्मिता के पास अब कोई रास्ता नहीं था, ना वो अपने ससुराल में रह सकती थी और ना ही मायके में। एक तरीके से अब उसका उसकी बेटी के सिवा और कोई भी नहीं था। किसी तरह सुष्मिता सड़क किनारे झोपड़ी बनाती है और उसमें अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और दैनिक मजदूर के रूप में काम करके वो अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। बरसात का मौसम आने पर सुष्मिता को कहीं भी मजदूरी करने का काम नहीं मिल रहा था। अब उसके लिए अपनी बेटी का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, मैं कितनी अभागन माँ हूँ, अपनी बेटी का पेट भी नहीं भर पा रही, लेकिन मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। सुष्मिता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन ब्लड बैंक जाती है और वहाँ पर अपना खून बेच देती है। मिले हुए पैसों से घर में राशन ले आती है। अब सुष्मिता ऐसा कई बार करने लगी। इसी तरह समय बीतता चला गया और अब सुष्मिता की बेटी काजल 20 साल की हो गई थी। अपने शरीर का ख्याल ना रखने के कारण सुष्मिता कुपोषित होती चली जा रही थी। ज्यादा उम्र नहीं होने के बावजूद वो बुढ़िया दिखने लगी थी, लेकिन उसकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब काजल शादी के लायक जो हो गई थी। हे भगवान, मैंने किसी तरह अपनी बेटी काजल को पाल पोस कर बड़ा तो कर दिया, लेकिन अब उसकी उम्र शादी योग्य हो गई है, मरने से पहले मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। जब सुष्मिता ऐसा सोच रही थी तब काजल उसके पास आई और बोली, माँ, कई दिनों से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, आज से काम पर मैं जाऊंगी, आप घर पर रहकर आराम कीजिए। नहीं बेटी, काम करने में तुम्हें तकलीफ होगी, इतने सालों से मैंने तुम्हें बहुत प्यार और सावधानी से पाला है, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी,
जाओ मेरा लंच बॉक्स ले आओ और मेरा काम पर जाने का समय हो गया है। सुष्मिता ने लंच बॉक्स लिया और काम पर चली गई। काम करते समय भी सुष्मिता का ध्यान काम पर नहीं था, वो केवल अपनी बेटी के शादी के बारे में ही सोच रही थी। उस दिन वो काम करके घर आती है और खुद से ही बोलने लगती है, मेरी बेटी की शादी करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पास इतना पैसा और क्षमता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। एक आइडिया, मैं अपनी किडनी बेच सकती हूँ, लेकिन मेरी तो किडनी भी किसी काम की ही नहीं रही होगी क्योंकि कई बार मैंने अपना खून बेचा है। सुष्मिता की ये सारी बातें उसकी बेटी काजल सुन लेती है। ये सब जानकर उसे बहुत दुख होता है। वो मन ही मन सोचती है, माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है और मुझे इस बात की खबर तक नहीं है। इतनी गरीबी होने के बावजूद माँ ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने बचपन से लेकर आज तक जिस चीज की जिद करी माँ ने मुझे ला कर दी। मैं अपनी माँ के इतने सारे एहसानों को कैसे चुकाऊंगी। काजल ये सब सोचते हुए काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। काफी देर तक घूमने के बाद उसे कोई काम नहीं मिलता। वो उदास हो जाती है और घर आकर आंगन में बैठ जाती है। तभी उसके आंगन में एक देवी प्रकट होती है। देवी कहती है, बेटी काजल, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें सुष्मिता जैसी माँ मिली है। हे देवी माँ, आपने मुझे दर्शन दिया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी इस खुशी से बढ़कर मेरी माँ का दुख है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो काजल बेटी, तुम्हारी माँ के दुख अब खत्म होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। देवी काजल को 3 जादुई काजल देती है और कहती है, बेटी ये 3 काजल तुम्हारी मदद करेंगे। एक काजल तुम्हारी गरीबी दूर करेगा, दूसरा काजल तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य ठीक करेगा और तीसरा काजल तुम्हारा विवाह करवाएगा। अब तुम देखते जाओ इनका जादू। इतना कहकर देवी माँ गायब हो जाती है। काजल खुशी खुशी 3 काजल लेकर घर के अंदर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। किसी ने सही कहा है बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। सुष्मिता उनमें से एक जादुई काजल अपनी आँखों में लगाती है। काजल लगाते ही सुष्मिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और अपनी उम्र से ज्यादा जवान दिखने लगती है। वही सुष्मिता की बेटी काजल दूसरा काजल लगाती है और बोलती है, हे इच्छा पूरी करने वाली दूसरे काजल, देवी माँ के कहे अनुसार तुम हमारी गरीबी दूर कर दो। जादुई दूसरा काजल काजल की गरीबी दूर कर देती है और उसका घर एक शानदार महल में बदल जाता है। साथ ही नौकर चाकर भी लग जाते हैं और तीसरा काजल लगाकर काजल इतनी खूबसूरत हो जाती है कि उसकी शादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आने लगते हैं। बेटी काजल, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी फूल सी बेटी मिली। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी माँ मिली है। मुझे सब पता है माँ, मैंने सब सुन लिया था उस दिन आपने मुझे अपना खून बेच बेच कर पाला है। मैं अगले 100 जन्म में भी आपके एहसानों को नहीं चुका पाऊंगी। इस तरह काजल और उसकी माँ सुष्मिता का जीवन जादुई 3 काजल के कारण सवर जाता है। काजल की शादी हो जाती है और शानदार महल में सुष्मिता महारानी की तरह रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।